A very good morning to all the viewers who are been watching my video at the present. सभी को स्नेहासिस की तरफ से सुप्रभात। तो फिर मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि मेगालिथिक कल्चर है, ठीक है। मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर क्या है? मैं जो भी डिस्कस किया हूँ जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन मेगालिथिक क्वेश्चन के बारे में या फिर मेगालिथिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, लेकिन इस वीडियो में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा और उस कल्चर में कौन कौन सा इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, उस कल्चर में कौन कौन सा कल्चरल एडवांटेज हुआ था, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो फिर उससे पहले आप इधर पॉइंट भी देख सकते हो, एक है मेगालिथिक कल्चर, एक है रॉक कट केव्स। यूजुअली रॉक कट केव्स किससे बोलते हैं और मेगालिथिक कल्चर क्या है, दोनों का अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर आप इसमें पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं कि मेगालिथिक रिफर्स टू लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर दैट वर कंस्ट्रक्टेड एदर एज ब्यूरल साइट और एज कम्युनिटेटिव साइट। सो कम्युमेरेटिव साइट, ओके, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। सो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट यही सिग्निफाई करता है कि जो कि मेगालिथिक कल्चर है वो क्या है, स्टोन एज कल्चर भी माना जाता है, जिसमें स्टोन से जो भी बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, ब्रूरल साइट्स बनाए जाते हैं, वो सारा मेगालिथिक कल्चर में पाया जाता था। उसके बाद द ब्रूरल साइट्स ऑफ द साइट्स विद एक्चुअल ब्रूरल रिमेनिंग, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है, आपका एक्चुअल ब्रूरल साइट को उसमें पाया जाता था, सच एज डोलमेराइट्स और बॉक्स सेप स्टोन ब्रूरल चैम्बर्स, ठीक है, एक बॉक्स सेप स्टोन ब्रूरल चैम्बर्स उसमें पाया जाता था। तो क्रेन सर्किल, उसके बाद स्टोन सर्किल एज डिफाइंड पेरिफेरल्स, देन कैप स्टोन्स डिस्टिंग टू मशरूम सेप, जो कि मशरूम सेप्ड ब्यूरल भी उसमें पाया जाता था, जो भी ब्यूरल साइट्स में। उसके बाद इन इंडिया आर्कोलॉजिस्ट ट्रेस द मेजोरिटी ऑफ मेगालिथिक टू आयरन एज, टू द आयरन। सो फिर मैं पहले ही बोल चुका था कि इस मेगालिथिक कल्चर कौन सा एज को सिग्निफाई करता है, जैसे कि हमारा आइस एज होता है, उसके बाद आयरन एज जो कि 1500 BC से लेकर 500 BC के बीच में पाया जाता था, और थ्रू सम साइट्स प्रिडिक्ट द आयरन एज एक्सटेंडेड अप टू 2000 BC तक वो प्रिडिक्ट किया जाता था। उसके बाद द मेगालिथिक आर स्प्रेड अक्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेगालिथिक कल्चर जो भी है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही स्प्रेड हुआ था। द मेजोरिटी ऑफ मेगालिथिक साइट्स आर फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, मेजोरिटी कहाँ पे फाउंड हुआ था, वो है पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता था। हाँ, कंसेंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मेनली विदर्भ, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है, वो सारा मेजोरिटी ऑफ साइट्स जो कि साउथ इंडियन में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्व और रॉक कट केव्स और रॉक कट केव्स। रॉक कट केव्स क्या है यार, रॉक कट केव्स क्या है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम मुंबई में जाएंगे तो फिर मुंबई में हमको क्या, कौन सा केव पाया जाता था मुंबई में, हमको इलोरा केव्स, उसके बाद एलिफेंटा केव्स, वो सारा मुंबई में पाया जाता था, लेकिन हम इस वीडियो में रॉक कट केव्स, अगर आप इसमें ही जान सकते हैं कि रॉक को कट करके केव बनाया जाता था, एक स्टोन को कट करके केव्स बनाया जाता था, वही इसमें रॉक कट केव्स के माध्यम से जाना जाता था। तो नेचुरल केव्स वेर द एर्लीस्ट केव्स यूज बाय लोकल इनहेबिटेंट्स, ठीक है। सो नेचुरल केव्स जो भी होता था वो क्या है, एर्लीस्ट केव्स, पुराने एर्लीस्ट केव्स को ही लोकल्स इनहेबिटेंट जो कि है वो माने जाते हैं, या यूज बाय लोकल इनहेबिटेंट्स जो कि यूज करते थे, ठीक है, उस केव्स को। मोस्ट ऑफ द रॉक कट स्ट्रक्चर वेर एसोसिएटेड विद वेरियस रिलीजन एंड रिलीजियस, ठीक है, वो क्या है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को सिग्निफाई करता था रॉक कट के, जैसे कि हम जानते हैं बुद्धा जो कि अपना जो कि होते हैं प्रेयर्स वो सारा केव्स में ही करते थे। एज मैनिफेस्ट बाय द आर्कोलॉजिकल एविडेंस द मेसोलिथिक पीरियड मार्क्ड द फर्स्ट यूज ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एलिगेंस, ठीक है जो मेसोलिथिक पीरियड है वो क्या सिग्निफाई करता था, आर्कोलॉजिकल एडवेंस के दौरान केव्स का कैसे यूटिलाइजेशन हो सकता है वो सिग्निफाई किया था, कौन सा पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में। द ओवर रेजिंग रॉक एम्ब्रेंसिंग विथ
पेट्रोग्लिफ्स और द रॉक कट डिजाइन दैट वेर क्रिएटेड बाय कार्विंग चिलिंग एंड एम्ब्रॉयडिंग पार्ट ऑफ रॉक सरफेस फॉर्म्स द एर्लियर इंस्टेंस ऑफ सच केस। ठीक है, आपका जान सकते हैं कि उस क्रिएशन कैसे हुआ था। क्रिएशन जैसे कि होते हैं रॉक सरफेस को ब्रांडिंग करके वो अपना पार्ट्स निकाल के वो केव्स बनाए जाता था उस समय, मीन्स डिफरेंट डिजाइंस में। ठीक है, द भीमबेटका रॉक सेटल इनसाइड द टाइगर रिजर्व जो कि रत्नापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो सिचुएटेड है, जो कि भीमबेटका रॉक्स सेटल ह्यूमन लाइफ इन दिस रॉक्स सेल्टेड ड्यूरिंग स्टोन एज इंडिया। ठीक है, वो सेटल हुआ था मीन्स ह्यूमन लाइफ उसमें पाया जाता था, मीन्स एविडेंस के दौरान, आर्कोलॉजिकल एविडेंस के दौरान वो पाया जाता था, जो कि स्टोन एज ऑफ इंडिया में वो लिखित है। इन द बिगिनिंग एम्बार्क द बुद्धिस्ट जैन रॉक कट स्ट्रक्चर वेर एक्सट्रैक्टेड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क फॉर प्रेयर, जो कि मैं पहले ही बोल चुका था कि बुद्धिस्ट भी यूज करते थे, ठीक है, जो कि अपना प्रेयर्स करने में। सो आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ आ गया होगा। धन्यवाद।